आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिव्यू रिएक्शन यूट्यूब चैनल, वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो, वीडियो का टाइटल है कि भारत ने दिखा दिया वो क्यों सुपर पावर बनेगा। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड का, और ये वीडियो है 33% सीट्स फॉर वुमेन रिजर्वेशन बिल अनाउंस्ड इन इंडिया। तो देखिए, बड़ा ही ऐतिहासिक पल था। जो वुमेन रिजर्वेशन का बिल है, 33% रिजर्वेशन, उस पर मुहर लग गई है। लोकसभा से भी वो पास हो गया, राज्यसभा से भी वो पास हो गया, यानी कि अब वो मुकम्मल कानून बन जाएगा, हमारे संविधान में ये बात आ जाएगी, और अब से हमारे देश में 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए हो जाएगी। तो इस पर अब पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, पाकिस्तान की महिलाएं क्या कहती है, क्योंकि पाकिस्तान जेंडर इक्वालिटी के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे खराब देश है। यानी कि दुनिया के करीब 200 देशों में जेंडर इक्वालिटी में अगर सबसे ज्यादा खराब जो देश हैं उनमें से पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आता है। दुनिया में महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश जो है वो पाकिस्तान है, वो छठे नंबर पर आता है दुनिया भर में। यानी यहां महिलाएं सेफ नहीं हैं। तो जब वहां की महिलाएं इस तरह की खबर को सुनती हैं कि उनके पड़ोसी देश ने इतना बड़ा फैसला कर लिया है, और ऑलरेडी हम जो हैं महिलाओं को प्रमोट कर रहे हैं ऑलरेडी बहुत सालों से, सदियों से, बीच में दिक्कतें आई थी, बिल्कुल नो डाउट, वो चूंकि इन्वेडर्स की वजह से दिक्कतें आई थी, हमें अपने महिलाओं को बचाना था तो इस लिहाज से दिक्कतें आई जो इस्लामिक इन्वेडर्स थे उनकी वजह से, लेकिन अब फिर से हम अपने पुराने दौर में लौट रहे हैं, पुरानी परंपराओं पे लौट रहे हैं, और महिलाएं हमेशा आगे रहती ऑलवेज। तो अब चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ फिलहाल। तो मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है, अगर हम अपनी नेबर कंट्री भारत की बात करें तो जो न्यू पार्लियामेंट उनकी अभी रिसेंटली बनी थी उसमें पहला बिल उन्होंने जो है वो खवातीन को लेके पास किया। खवातीन की रिजर्वेशन सीट्स की अगर बात की जाए तो 33% जो है वो सुनने में आ रहा है कि अब भारत की पार्लियामेंट के अंदर 33% खवातीन जो है वो मतलब बैठा करेंगे। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो इसको किस तरीके से आप देखती हैं, पहले मुझे ये बताएं। अक्सर बात की जा रही होती है कि वुमेन पावरमेंट यहाँ पे ज़्यादा है या वहाँ पे ज़्यादा है, तो ये जो पहला स्टेप उन्होंने लिया, पहला ही बिल उन्होंने इस चीज़ का पास किया है, जैसा कि आपने कहा है कि 33% है। Absolutely. पाकिस्तान की बात की जाए तक मे बी 5 या 3% है। इस चीज़ का मार्जिन देख ले कि वहाँ की गर्ल्स जो हैं वो कहाँ तक चली गया। हालांकि पाकिस्तान में भी हुनर की कमी नहीं है, पाकिस्तान में भी लड़कियों की कमी नहीं है, ऐसे ही है वहाँ पे। आई नो कि हर प्लेटफॉर्म पे लड़कियों को किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है, उनको आगे से आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में यहाँ वही पुराना कल्चर सकाफत वही चलती आ रही है। लड़कियाँ जहाँ दबी है दबी रहे, उनको उभारना नहीं है इन्होंने, इन्होंने बस उनको उनके हाल पे छोड़ देना, बस वो खानादारी तक रहे। एक जुमला बहुत सुना जाता है कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है यहाँ के ऊपर। मैं वही कहने लगी थी कि टैलेंट की कमी मैं इसमें डाउट नहीं है कि इंडिया में कमी नहीं है, कमी वहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अगर टैलेंट को शो करवाया जाए, पाकिस्तान की गर्ल्स को आगे लाया जाए, तो मैं ये कहती हूँ मेरे ख्याल में इंडिया की लड़कियों को टक्कर देगी, उनको मात दे जाएगी, उनको पीछे छोड़ जाएगी। पाकिस्तानी लड़कियाँ जो उनमें इतना टैलेंट है, इतना कूट कूट के भरा हुआ, लेकिन यहाँ पे वेस्ट किया जाता है। हर जगह पे गर्ल्स का टैलेंट जो है ना वो फ्लॉप है। क्या लगता है कौन सी कंट्री ज़्यादा एम्पावर करती है? मुझे लगा अगर आप बात करें इंडिया और पाकिस्तान की कंपैरिजन की, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे हर प्लेटफॉर्म पे उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको ही आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो इंडियन गर्ल्स हैं, इंडियन गर्ल्स पावर है वो बेस्ट है, वो बड़ा। इस कंट्री में रह रही हैं, आपको कभी फील हुआ है कि, या आपको लगता है फुली एम्पावर हैं आप यहाँ पे, या कुछ जगहों पे आपको फील होता है कि उस तरीके से एम्पावरमेंट मिल रही है आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रही यहाँ पे, किसी को कोई राइट नहीं मिल रहा। अगर बात की जाए लड़कियों की, तो मैं वही कह रही हूँ कि लड़की अगर आवाज़ उठा भी देना तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। कौन दबाता है भाई? हमारा सिस्टम ऐसे, अब मैं नाम लूंगी तो मैं भी उठवा ली जाऊंगी। तो मैं यही कह रही हूँ कि इंडिया की जो गर्ल्स हैं उनकी जो हुकूमत है जो चला रहे हैं, हालांकि वो भी तो मेल्स ही हैं, वो भी तो देख रहे हैं कि भाई तरक्की किस चीज़ में। यहाँ पे असल बात यह शर्मिंदगी समझी जाती है औरत,
ये बात है कि वो अगर आज के टाइम में भी मैं कह रही हूँ ना कि वो ही पुरानी सकाफत चलती आ रही है। यहाँ पे भी शर्मिंदगी का बायस ही है लड़कियाँ। अभी तक यही कहा जाता है लड़की को चार दीवारी में ही रखा जाए, उसको बाहर आने का मौका ना दिया जाए, उसको उभरने का मौका ना दिया जाए, बस वो जहाँ। ये बिल्कुल बात सही है। अभी हाल ही में एक वीडियो मैंने किया, उसमें मदरसा स्टूडेंट वाली बातें थी, शायद नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो था। शायला जो है वो एक मदरसे के बच्चे से पूछ रही थी, तो उस मदरसे के बच्चे ने यही कहा कि जी जितने का हद तक हुकूक हैं उनको घर के अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए, उनको उनका जो काम है वही करना चाहिए, वो बाहर निकल कर क्या करेंगी। आप सोचिए, तो इस तरह की चीज़ें मदरसे में मौलवियों मौलानाओं द्वारा पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, और वहाँ से लाखों बच्चे हर साल निकल रहे हैं। वो क्या करेंगे? वो यही करेंगे, वो अपने घर की औरतों को दबाएंगे, अपने घर की औरतों को, बहू बेटियों को, बहनों को बाहर नहीं निकलने देंगे। और चूंकि इसमें इसको दीन से जोड़ दिया गया, इस्लाम से जोड़ दिया गया, इस्लाम की इज्जत खतरे में पड़ जाती है। सारा मसला यही है, हर चीज में इस्लाम को साथ वेपनाइज कर दो, तो यही चीज है। और ये बिल्कुल बात सही है, वही रहे, दब के रह जाए। अच्छा मुझे ये बताएं, पार्लियामेंट में अब 33% जो है वो खवातीन होंगी उनकी, पाकिस्तान का आपको थोड़ा आइडिया है कि यहाँ पे कितने परसेंट खवातीन पार्लियामेंट वगैरह में मतलब नुमाइंदगी करती हैं? मुझे लगता है आई थिंक 5% कोटा है यहाँ पाकिस्तान का, या 3% मे बी समथिंग लाइक दैट है। इतना भी पूरा होता है? इतना भी पूरा नहीं होता, वही कह रही हूँ कि वो भी लड़कों के हक में चला जाता वो भी कोटा, लड़कियों को आगे आने नहीं दिया जाता किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो सियासत है चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म है ना यहाँ पाकिस्तान का, लड़कियों को आगे नहीं आया दिया जाता। हालांकि लड़कियों में टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट गर्ल्स हैं यहाँ की। मुझे लास्ट पे ये बताएं कि क्या अब हमें इस चीज़ से भारत से सीखना चाहिए कि जो उन्होंने पहला बिल ही मतलब वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर पास किया? यस ऑफ कोर्स सीखना चाहिए, मतलब ये देखे ना कि वो भी तो इंसान ही है ना जो कर रहे हैं ये काम, और वो भी अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए, उनको पता है कि किस स्टेप पे क्या बेहतरी आनी है। किस नहीं, आपने इंसान कैसे कह दिया हमें? आपके यहाँ तो हमें काफिर कहा जाता है, तो आप एक नॉन हिंदू होकर ऐसी बातें कर रही हैं। आप बताइए, आप नॉन हिंदू हैं, आप हमारे बारे में बातें कर रही हैं हिंदुओं के बारे में कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। नहीं भैया, आपको आपके यहाँ तो इस पे सजा हो जाएगी भाई, आप नॉन हिंदू होकर ऐसी बातें कैसे कर सकती है? इस टाइप के ऊपर क्या करना है हमने? तो अगर वो अपने सियासत को लगा ले, अपने मुल्क की तरक्की को लगा ले, इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे आया लड़कियाँ जो हैं वो उनमें पेश हैं, वो कर सकती हैं इस काम को, मतलब जो भी उनका काम है उसमें अपना दिमाग चला सकते हैं, अपना टाइम दे सकती हैं, अपना हुनर दे सकती हैं। अगर यही बात यहाँ पर लागू की जाए तो यहाँ पर ऐसा है कि लड़कियों को पीछे रखा जाता है, यहाँ पर सिर्फ दिमाग चलता है मर्द का, और आपको पता है कि जो मर्द का दिमाग है वो कितना है कि हम कर्ज में डूब गए हैं। हर बच्चा पैदा होने वाला बच्चा भी इस चीज़ में है कि वो उसने IMF का कर्जा देना है। यहाँ पाकिस्तान में पैदा होना भी एक हिसाब से लगा ले पाप है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आमिर खान। क्या करते हैं सर आप? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट। सर मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है, अगर न्यू पार्लियामेंट भारत की हम बात करें तो उन्होंने पहला जो बिल वहाँ पे पास किया है वो वुमेन रिजर्वेशन के हवाले से किया है कि 33% जो है वो फीमेल्स जो है वो मतलब नुमाइंदगी करेंगी पार्लियामेंट के अंदर। किस तरीके से आप देखते हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा है या भारत में ज़्यादा है, तो वो तो प्रैक्टिकली मतलब जो है वो साबित भी कर रहे हैं, उसके ऊपर स्टेप्स भी ले रहे हैं, बिल भी पास कर रहे हैं, यहाँ पे कितना काम हो रहा है और किस तरीके से आप देखते हैं कहाँ पे ज़्यादा है? पाकिस्तान में अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर में फिर भी उसके ऊपर कुछ काम हो रहा है, और माजी में भी होता रहा, और प्राइवेट सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो खवातीन की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर इस तरह से नहीं है, लॉस तो इधर भी पास हैं, इधर भी मौजूद हैं, वो कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह से यहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो उसमें बहुत से ज़्यादा फैक्टर हैं हमारे यहाँ पे, आप कह सकते हैं ख़वातीन उस तरह से आज़ाद नहीं है, कंफर्टेबल फील नहीं करती घर से बाहर निकलते हुए, तो एक वो भी फैक्टर आ जाता है। ऑल्दो कि वो फैक्टर इंडिया में भी मौजूद है काफ़ी हद तक, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर अपने चैलेंजेस हैं, यहाँ पर अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन यहाँ पर हम उस तरह से उनको आज़ादी नहीं दे पाए बातों के अलावा,
सर कदरी, अगर दोनों मुमालिक का कंपैरिजन किया जाए तो आपको क्या लगता है ज़्यादा आगे कौन है? डेफिनेटली अगर आप बात करेंगे तो वो तो इंडिया ही है। हम अभी बहुत सी चीज़ों में पीछे, हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन जो अगर आप अभी देखें तो वहीं पे स्टेबिलिटी नहीं है, तो जब तक वो स्टेबिलिटी नहीं आती है, आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन कभी स्टेबल नहीं हुई। आप 70 साल की हमारी आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो ऐसे ही चल रहा है मामला। तो जब तक हम स्टेबिलिटी किसी एक चीज़ में नहीं लेके आते तो इस तरह के जितने भी आपके आपने जो भी स्टेप्स लेने होते हैं ना, वो हमेशा बैकवर्ड पे चले जाते हैं। लोगों का उस तरह से रुझान भी नहीं है, हम शायद उस तरह से करना भी नहीं चाहते। हम थोड़े से बैकवर्ड सतह पे चले जाते हैं कि अगर कोई खातून घर से बाहर निकल आती है तो वो मसले मसाइल अपने हैं उनके, ठीक है ना। तो एक वजह यह भी है, वो एक्सटर्नल फैक्टर बहुत ज़्यादा हैं, बाकी चीज़ें भी हैं, इंडिया में भी हैं, लेकिन इंडिया में वहाँ बकदरे ज़्यादा। लगता है अब मौजूदा करंट टाइम के अंदर भारत इस चीज़ को कितना प्रमोट कर रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट को कितना काम हो रहा है आपकी नेबर कंट्री के अंदर? मतलब अभी जिस तरीके से बिल पास हुआ है, पहला बिल ही उन्होंने मतलब पास करके इम्पोर्टेंस शो की है कि कितनी इम्पोर्टेंस मतलब वो इस काम को दे रहे हैं। देखिए प्रायोरिटीज़ का मतलब है ना, हमारे यहाँ पे प्रायोरिटीज़ कुछ हो रहा है। हमारे यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रायोरिटीज़ ही हमारी चेंज है कि हमने बारी कैसे लेनी है। पॉलिटिकल में आप हमारी सिचुएशन देखते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, उन सबको ये होता है कि यार हमने बारी कैसे लेनी है। उस बारी के चक्कर में उनको जो भी कोई नारा लगाना पड़ता है वो लगा लेते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। हम कभी करते ही नहीं। वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर लें आप, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की भी अगर आप बात कर लें तो वहाँ पर उनको भी नौकरियाँ नहीं मिलती हैं। तो और अब तो जो हालात आ गए यहाँ पर, तो अब आपको मर्दों को नौकरियाँ मिलने की मुसीबत पड़ी हुई है जो मौजूदा पाकिस्तान के हालात है। तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि मार्केट में आप निकलते हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, काम भी आता है, लेकिन नौकरियां नहीं है। सर आज भी मैं, क्योंकि मेरा काम जो है वो रोड शोज़ वगैरह से रिलेटेड है, बहुत से लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है, मैं जब ये सवाल करता हूँ कि हम कितना अभी मतलब पीछे हैं भारत से, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं अभी भी कुछ शोबे हैं जिनमें हम आगे हैं। और अगर मैं उनसे पूछ लूँ कि कोई एक शोबा आप बता दें जिसमें पाकिस्तान मौजूदा करंट टाइम में भारत से आगे है, तो सर मतलब उनके पास आगे कोई आर्गूमेंट नहीं होता देने के लिए। एक्चुअली में है नहीं, इट्स अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। देखें सीधी सी जो बात है, हमारा मुल्क है, हम चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, लेकिन किसी ना किसी सतह के ऊपर शायद हम भी उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। हालात नहीं है, साजगार नहीं है, या हर कोई अपने मामलात में कुछ इस तरह से उलझा हुआ है कि ये चीज़ें बड़ी दूर लगती हैं। अभी आप देखें ना यहाँ पे लोगों को, अगर आप देखेंगे तो लोगों को ये परेशानी होती है कि यार मैंने अपना घर की डे टू डे जो मामलात है वो कैसे पूरे करने हैं। तो बाकी चीजें तो बड़ी बात में आ जाती है ना। मतलब आप इस बात को मानते हैं कि कोई एक शोबे में भी अब हम आगे नहीं हैं? किसी में होंगे हम तो शायद, लेकिन जनरली तो हम बहुत पीछे हैं। वी आर फार अवे, मैच ही नहीं है हमारा उनके साथ। दुश्मनी किस चीज की है मतलब? फिर दुश्मनी मेरे दोस्त पॉलिटिकल है, इट्स ऑल पॉलिटिकल। अब लोगों से बात करेंगे, लोग तो कुछ नहीं ऐसी बात करते, लेकिन व्हेन यू टॉक टू द पॉलिटिकल लेवल के ऊपर आप बात करेंगे तो उनका सर्वाइवल इसी चीज में है कि आपने किसको दुश्मन बनाना है। लेकिन सर आप ये देखें, अभी G20 वहाँ पे सबमिट हुई है, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ने जो है उनकी सरजमीन पे मतलब वहाँ पे कदम रखे हैं। सऊदी अरब को हम अपना फ्रेंड कहते हैं, तो पाकिस्तान का दौरा जो है वो मनसूख करके वहाँ पे गए हैं और अरबों रुपए के प्रोजेक्ट जो है वो देखने में आए हैं। अमेरिका का जो सदर है, जो सुपर पावर है, वो बकायदा नरेंद्र मोदी के पीछे जाके कह रहे हैं आप ऑटोग्राफ मतलब जो है वो मुझे दे दें। किस तरीके से देखते हैं कि पूरी दुनिया उनकी लीडरशिप के आगे जो है वो मतलब हम जब दुनिया की बात कर रहे हैं तो इट्स ऑल अबाउट यू नो रेवेन्यू, मटेरियलिस्टिक लोग हैं ना हम लोग सारा। दुनिया पे कैसे इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है, आप सऊदी अरब की आप बात करते हैं, आप चाइना की बात कर लें, आप रशिया की बात कर लें, आपके दोस्त होंगे अपनी जगह पे होंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने भी अपने मुल्क का फायदा देखना है। उनको अपने मुल्क का फायदा, उनको अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे सिक्योर नजर आ रही है पाकिस्तान में। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली उस तरह से सिक्योर उनको पाकिस्तान में नजर नहीं आ रही, हम दिखा नहीं पा रहे, हमारे हालात ऐसे नहीं है। उनको नजर आता है कि यार इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सिक्योर नहीं है, वाई वुड दे इन्वेस्ट इन माई कंट्री, दे वुड इन्वेस्ट समवेयर कि जहाँ पे उनको यहाँ पे रिटर्न मिले ना। तो वो उनको वहाँ पे नजर आ रहा है अभी इंडिया में। इंडिया एक्चुअल में है नहीं है ये तो चले बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट वो पोर्ट्रे तो कर रहे हैं, हम तो भी पोर्ट्रे भी नहीं कर पा रहे ना। कहते हैं अपकमिंग स्पेस सुपर पावर भी भारत बनने जा रहा है, चंद्रयान 3 मिशन उन्होंने किया मून का, सन का मिशन किया आदित्य L1, दुनिया में सबसे सस्ता और सबसे कामयाब तरीन मिशन जो है वो भारत ने किया है, और अब तो वो कहा जा रहा है सुपर पावर की दौड़ में भी जो है वो मतलब शामिल हो गए हैं। ये बिल्कुल हो गए होंगे, लेकिन चंद्रयान पर जाना, चांद पे जाना जो करना, ये चीज़ें मेरे हिसाब से हमारे लिए तो ये बहुत बात की चीज़ें हैं। आई स्टिल प्रेफर कि आप पहले अपनी बेसिक्स ठीक कर लो। इंडिया में भी बेसिक्स के बहुत ज़्यादा मसले हैं, दे कुड हैव डन अ लॉट बेटर
अपने लोकली भी बहुत कुछ कर सकते थे। उन्होंने कहा नहीं जी, हम पहले ये भी करके दिखाएं, देर ये भी एक एवेन्यू है जिसको हमने एक्सप्लोर करना है। इस एवेन्यू की वजह से उनके पास इन्वेस्टमेंट भी आएगी। सर एजुकेशन पे देखें कितना काम किया उन्होंने, वो बहुत आगे हैं। आप आईटी सेक्टर सिर्फ ले लें जिसका इस वक्त पूरी दुनिया में बूम चल रहा है, वी आर नोवेयर नियर इंडिया, ये तो जेन्युइन बात है। तो वो हर जगह पे अपने लोगों को, हम मोदी का मसला बिल्कुल है कि मुसलमानों के साथ है, अपने उनके मुल्क के मुसलमान भी शायद इतने खुश ना हो, हम तो चले ना कुछ आई हैं, तो बहुत खुश हैं। मैं रिसेंटली मतलब काफ़ी गेस्ट वगैरह को मैंने ऑनलाइन कॉल पे लिया, तो वहाँ के मुसलमान मतलब बता रहे थे कि बुलेट ट्रेन चलने जा रही है और जिस तेज़ी के साथ। इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं लास्ट ज़रूर ऐड करूँगा, 9 साल का जो टेन्योर रहा है, 15 इंटरनेशनल अवार्ड जो है वो नरेंद्र मोदी को मिले हैं और जिसमें मेजॉरिटी अवार्ड इस्लामिक स्टेट्स ने जो है वो उनको दिए हैं। सऊदी अरब ने अपना सबसे बड़ा सिविल अवार्ड जो है वो नरेंद्र मोदी को दिया है, ग्रीस ने अवार्ड दिया है, तुर्की ने अपना सबसे बड़ा अवार्ड दिया है। तो सर मतलब क्या मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में ही बसते हैं या सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमानों को ही मसला है खास? तुर्की ने अवार्ड नहीं दिया है मुझे जहां तक याद है, नहीं नहीं तुर्की ने अवार्ड नहीं दिया है, ना 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 तुर्की ने नहीं दिया भाई, इजिप्ट ने दिया है, फिलिस्तीन ने दिया है, यूएई ने दिया है, सऊदीया ने दिया है, मतलब इस्लामिक कंट्रीज में कह रहा हूँ, इतने तो दिए। भाई मैं आपको भी बता रहा हूँ, प्रायोरिटीज का मसला है ना, हमारी अपनी प्रायोरिटी सीधी नहीं है, ठीक है, हमें दुनिया के हर मुल्क से मसला हो सकता है, ठीक है लेकिन उनको भी फिर हमारे से मसला है। लेकिन सर जब हम स्पेसिफिक होके कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो मुसलमानों के बड़ा अगेंस्ट है, तो फिर ये हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान जो है वो उनको ऑनरेबल बुला भी रहे हैं अपनी कंट्री में, अवार्ड भी नवाज रहे हैं? दुनिया के मुसलमानों की जहाँ बात करते हैं ना, इस वक्त दुनिया जो है एक पैसे की भेड़चाल में लगी हुई है। मैंने आपको बताया उन्होंने पैसे कमाने, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी, इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन्होंने ये थोड़ी देखना कि मैं किसी मुस्लिम ममालिक में कर रहा हूँ या किसी गैर मुस्लिम मुल्क में कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ से उनको फायदा नजर आ रहा है वो अपने लोगों का भी तो फायदा देखेंगे ना पहले, तो उन्होंने अपने लोगों का फायदा कहाँ से करना, उनको अपने लोगों का फायदा उधर वहाँ नजर आ रहा है। पाकिस्तानियों के लिए पैसे की जरूरत नहीं है पाकिस्तानियों का? तो आप कहना ये चाहते हैं कि जो बाकी की इस्लामिक कंट्रीज हैं उन्होंने इस्लाम का सौदा कर लिया पैसे के लिए? लाहौल बिला कुव्वत तौबा तौबा, ऐसी बात, यही मतलब होगा ना इसका कि वो जो इस्लामिक देश हैं उन्होंने इस्लाम का सौदा कर दिया एक काफिर मुल्क से पैसों के लालच में, यानी कि पैसा जो है उनके लिए इस्लाम से बड़ा हो गया। तौबा 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 तौबा, ओह बहुत शर्मनाक बात है। मेन मोटिव जो है वो, चूंकि हम मुसलमान हैं तो हमारा मेन प्रायोरिटी इस्लाम है, हमारी मेन प्रायोरिटी इस्लाम है, लेकिन हम इस्लाम पे शायद उस तरह से हैं भी नहीं, बिल्कुल बेगर्स आर नॉट चूजर्स इधर ही नजर आता है। प्रायोरिटी हमारी इस्लाम की भी अगर आप कर लेते हैं तो वो भी हमारी ठीक नहीं है, तो हम तो उसमें भी काफ़ी बिखरे पड़े हैं। तो प्रायोरिटी आप कैसे अपनी सेट कर सकते हैं, हमें अपनी बेसिक्स को सीधा करने की ज़रूरत है। हमें करप्शन को कंट्रोल, करप्शन की बात करते हैं तो इंडिया में शायद हमसे बहुत ज़्यादा करप्शन हो, बट इंडिया का हमारा मुकाबला भी तो नहीं ना, 5 times बिगर देन अस। नहीं सर, प्लीज़ फैक्ट को जाकर चेक करिए, दुनिया भर में करप्शन को लेकर करप्शन इंडेक्स आता है, उसमें जाकर चेक करिए, इंडिया जो है वो शायद 85वें या 80वें नंबर पर है और पाकिस्तान 140वें नंबर पर है। अब जाकर चेक करिए, मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, आप दोनों देशों की रैंकिंग देखिए, आपको जमीन आसमान का फर्क आएगा, 7 गुना बड़ा आपसे मुल्क होने के बावजूद। अब 22 करोड़ हैं, हम 140 करोड़ हैं, लेकिन जब करप्शन रैंकिंग की बात आती है तो आप 140वें नंबर पर हैं और हम 80वें या 85वें किसी नंबर पर हैं। तो ये मत कहिए कि हमारे यहाँ करप्शन ज्यादा है, करप्शन आपके यहाँ ज्यादा है, आपके यहाँ ज्यादा लोग करप्ट हैं, 22 करोड़ में से ज्यादा लोग आपके यहाँ करप्ट हैं, हमारे यहाँ 140 करोड़ में भी कम करप्ट लोग हैं। 25 करोड़ हम भी हैं, हम 25 करोड़ हैं, वो 150 एक अरब 46 करोड़ से तो ऊपर चले गए ना, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बन गई, ऑफिशियली बीटन चाइना, बिल्कुल ठीक है ना, तो हमसे तो वो 5 गुना बड़ा हो गया। उनके मसले भी शायद हमसे 5 गुना बड़े होंगे, लेकिन उनके पास रेवेन्यू भी तो हमसे 5-10 गुना बड़ा आ रहा है, वो उसको इम्प्लीमेंट भी वहाँ पे वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन देखिए हमसे इतने बड़े भी हैं फिर भी सबको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया हुआ है, हम 25 करोड़ नहीं संभाल पा रहे। गिलगित में देख लें आप क्या चल रहा है आजकल। अभी देखिए हम, हमारी हिस्ट्री अगर आप उठा के देखें ना, तो हम हमेशा इसी चीज़ में बटे रहे हैं, मैंने अपने सामने वाले को कैसे गलत करा है, बट दिस इज माई प्रायोरिटी। वो किस फिक्के से है, उसका रिलीजियस बिलीफ क्या है, मुसलमान है नहीं है, कहाँ का रहने वाला है, पंजाब का है, कराची का है, उर्दू स्पीकिंग है,
नॉन उर्दू स्पीकिंग है, पंजाबी स्पीकिंग है, पश्तो स्पीकिंग है, हर किसी को हमने ग्रेडिंग की हुई है। हम इस ग्रेडिंग की वजह से बर्बाद हो रहे हैं और तो कुछ भी नहीं। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे अपने बिहाफ पे? बस यार यही कहना चाहूँगा कि हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को सीधा करने की बहुत ज़रूरत है, हमें अपने एथिक्स को सीधा करने की ज़रूरत है, हमें अपनी जो हमारी अपनी करप्शन है उसको देखने की बहुत ज़रूरत है। भारत से ट्रेड कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, रियासत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी किताबी सियासतदानों की बातें हैं, दुश्मनी वगैरह, ट्रेड के बगैर आप नहीं चल सकते। आपको ट्रेड ज़रूर करनी चाहिए इंडिया के साथ मेरे ख्याल से। तो हमारे यहाँ पे तो मसले मसाइल दूसरे आ जाते हैं ना कि जी इंडिया दुश्मन है तो हमने नहीं करनी, दुश्मन नहीं है वो। कश्मीर का भी बड़ा वो हम लोग हाईलाइट करते हैं कि कश्मीर का बड़ा वो है, जबकि कश्मीरियों से जब पूछा गया है तो वो कुछ और ही कहते हैं, कुछ और ही कहते हैं। तो देखिए ये भी उन्हीं के लिए इशू है ना जिन्होंने इसके ऊपर जिंदा रहना है। आपके मेरे लिए ये इशू नहीं है, आपका मेरा इशू कुछ और है। आपका मेरा इशू है कि यार मैंने रोटी कैसे खानी है, बच्चों के स्कूल की फीस कैसे देनी है, अपने बिजली के बिल कैसे देने हैं। मेरा कश्मीर इशू नहीं है अभी एट द मोमेंट, रियासत का होगा। रियासत अपने इशू कैसे कैटर कर रही है, लेकिन रियासत अपने बंदों के इशू नहीं कैटर कर रही। चले दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया। ये लास्ट वाले भाई साहब थोड़े सुलझे हुए लगे मुझे, अच्छी बातें की उन्होंने, लॉजिकल बातें की। वापस आते हैं वुमेन रिजर्वेशन पर। चलिए रिजर्वेशन तो अभी दी गई है 33% की, लेकिन वुमेन को जो प्रोग्रेस दी गई है, वुमेन को जो मौके दिए गए हैं, वो मौके देने का काम आज से नहीं चल रहा है, वो मौका देने का काम हजारों सालों से चल रहा है। बीच में जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस्लामिक इन्वेडर्स जब आए जिन्होंने हमारे देश के ऊपर अटैक किया, बहुत सारी चीज़ें की, तो उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें उसमें बदलाव भी आया, हमने चीज़ों को कुछ डाउन किया, छुपाया, बहुत कुछ किया। कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स थी तो वो चीज़ें धीरे 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 उभर आई। हम अब फिर से लग गए हैं उन्हीं सब चीज़ों करने में, प्रॉपर राइट देने में, ये उसकी कड़ी थी। आप देखिए इसरो, हमारी सबसे प्रतिष्ठित संस्था, सबसे ज़बरदस्त संस्था, वहाँ पर महिलाएं प्रोजेक्ट लीड कर रही हैं, चंद्रयान, मंगलयान, वुमेन साइंटिस्ट ने कमाल कर दिया है, वहाँ पर ज़बरदस्त काम कर रही हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमारी संस्कृति है महिलाओं को आगे बढ़ाने की। बीच में मैं ये बिल्कुल बात मानता हूँ कि 100% नहीं है ये, मैं ये बात मानता हूँ कि बीच में दिक्कतें आई थी, लेकिन वो दिक्कतें उन दूसरी बाहरी दिक्कतों की वजह से आई थी जो हम पर थोपी गई, जो हमारे ऊपर आक्रमणकारी आए उनकी वजह से। नहीं तो आप शुरू में जाइए, आप सीता को देखिए, आप देवी सीता को देखिए, आप देवी अहिल्या को देखिए, और आप नीचे आएंगे तो आप सरोजनी नायडू को देखिए, आप वो कौन थी, अहिल्याबाई होलकर वो थी, सावित्रीबाई फुले, आप मतलब नाम लेता जाऊंगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मैं तो नाम लेता जाऊंगा, मैं तो कई नाम मिस कर गया, नाम लेता जाऊंगा, लिस्ट खत्म नहीं होगी। इंदिरा गांधी ज्वलंत उदाहरण है भाई, इंदिरा गांधी, यही चीज है। अब एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, देखिए कोई वीडियो बनाया था मैंने आज पाकिस्तानी मदरसा स्टूडेंट ऑन वुमेन, तो उस पर एक भाई साहब हैं, उनका नाम है, कमेंट किया, बांग्लादेश का झंडा लगा हुआ है, मिजानुर रहमान 279 इस आईडी से कमेंट आया, उनकी उनकी जरा आप गौर कीजिएगा। लड़कियों को आज़ादी देने का नतीजा सिर्फ रेप ही होता है, क्योंकि लड़कियों को खुद का प्रोटेक्शन करना नहीं आता। आप समझिए क्या बात कर रहे हैं ये, इनकी आईडी सकते हैं, ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। मैंने इनको जवाब दिया कि रेप कौन करता है, मर्द ना, तो रुकना उन्हें चाहिए ना, या उन्हें रेप करने की आजादी है, ये मैंने जवाब दिया। तो भाई फिर क्या जवाब देता है कि इसीलिए हमारे नबी पाक ने लड़कियों को पर्दा करने का हुक्म दिया है, क्योंकि सब मर्द को रोकना नामुमकिन है, लेकिन सब लड़कियों को पर्दा करना मुमकिन है। आप समझ रहे हैं ये बात, अभी सीधे रिलीजन पे आ गया बंदा। मैंने जवाब दिया इसका कि देखा, कर दी ना वही बात, जिसे रोकना है वो नहीं रुकेगा, मतलब कल कोई मर्डर करने लगे और कहा जाए कि वो मर्डर करना रोक नहीं सकता, इसलिए सब बचने के लिए पर्दा करो, क्या लॉजिक, मैंने लिखा। फिर जवाब आया, हम कुछ नहीं करते, लॉ इज लॉ, सबको फॉलो करना ही पड़ेगा,
इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन इंडिया, सून इंडिया विल बी इस्लामिक कंट्री। आप समझ रहे हैं? अब क्या कहें ऐसे लोगों को, मैं क्या जवाब दूं? इसके बाद मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि इससे इसकी नीच मानसिकता का पता चलता है। इसको सिखाया गया, इसका दिमाग में बिठाया गया है कि सबको मुसलमान बना देना है, और नहीं तो पता ही आपको क्या करना होता है, तो सैंक्शन लग जाएगा यूट्यूब पर। हर तरफ पहले अपने रिलीजन में लड़कियों को दबाओ, डराओ, उनको बंद करके रख दो। अरे तो भाई, तो कैद करके रखो ना, फिर कैद कर दो अपनी बहू बेटियों को, क्यों बाहर निकलने देते हो? और आप इसकी बातें सुनिए, सबको फॉलो करना पड़ेगा। भाई हजारों साल से कोई फॉलो ना करा पाया, तू कौन होता है बे चिंदी चोर? तू पहले अपने बांग्लादेश को संभाल ले, झंडा अगर है तो, और तू अगर इंडियन है तो और भी मामला गड़बड़ है। कितने गाजी आए, कितने गाजी चले गए, समझे? खैर, तो ये थी बात, यही बताना चाहता था, दिखाना चाहता था। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी, वीडियो हो गई खत्म। वीडियो माशाल्लाह लंबी भी थी, वो मेरी बहना भी और भी उसमें काफी बोलती रही, तो बातें इधर बहुत ज्यादा करने की है। एक मौलाना साहब भी थे, वो भी बातें कर रहे थे, वो गंजे से टकले से जो है। खैर, बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा चैलेंज है, लोग सर बड़े चैलेंज करते हैं, गौर से सुनना, किसी में दम हो जवाब देना, लेकिन अथेंटिक होना चाहिए, लॉजिकली सही होना चाहिए। चैलेंज करता हूँ जो मेरे जितने व्यूवर्स हैं, स्पेशली आलोक सर बड़े चैलेंज करते हैं ना, मैं चैलेंज करता हूँ उसको, चाहे मेरे व्यूवर्स थोड़े जो भी है, हो सकता हूँ तक ये मेरी बात भी पहुँच जाए, मैं उसको चैलेंज करता हूँ। वो मर्द का बच्चा तो मुझे ये साबित करे कि वीमेन एम्पावरमेंट अफ्रीका पूरे में है, तक उधर आई थिंक हर किस्म की आज़ादी है, वहाँ तो पाबंदी कपड़े पहनने की भी नहीं है, मतलब जिस नंगा लेकर भी मैंने देखी कि पहनते ही नहीं है, मतलब बहुत शॉर्ट से कपड़े पहन के बात कर, पहनते ही नहीं है मैक्सिमम, जो पत्ते भी नहीं है या नहीं, जो उनकी मैंने अपनी आंखों से वीडियो देखी है ना, उनके चुराहों गलियों में भी, बड़े बड़ी बिग सिटीज में भी कई ऐसी वीडियो देखी जहाँ वो कपड़े नहीं पहने, मतलब इतनी आज़ादी है औरतों को, उधर वो क्यों नहीं तरक्की कर रहा? चैलेंज है। फिर दूसरा साथ में ये भी क्वेश्चन, ये पाकिस्तान के अंदर वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान में तो फिर भी आई थिंक काफ़ी हद तक औरतें आज़ाद हैं, तो ये लिबरल आंटियां जो हैं, क्या नाम उसका, सना अमजद जैसी, तो नाइला जैसी, काफ़ी लिबरल आंटियां जो काम कर रही हैं, कोई भी उनको रोकने वाला नहीं, कोई भी उनको कुछ भी नहीं कह रहा, कर रही हैं, सारी कर रही हैं। अफगानिस्तान पर क्यों नहीं बात करते हैं, जहाँ सख्ती से पाबंदी है? ईरान पर क्यों नहीं बात करते? अफगानिस्तान के साथ तो आप कहते हैं हमारा दोस्त है, अच्छा मुल्क है, अच्छा ये बुरा है, तो आप उसको फ्रेंड कहते हैं, उसकी ये खामी क्यों नहीं नजर आती है लोग साहब आपको? फिर अगर भी मैं पाबंदी लगा रहा, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, है इसका तो लॉजिकल जवाब देना हूं। अफ्रीका क्यों नहीं तरक्की कर रहा? उधर वीमेन एम्पावरमेंट यानी कि आजादी है तकरीबन हर किस्म की औरत को, हर लिहाज से क्यों नहीं तरक्की कर रहा? गाल मतलब गलोच नहीं कमेंट में, बुरा कमेंट नहीं, किसी के पास इसका लॉजिकल जवाब बहुत मुझे दे। फिर अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में तो मैं कहता हूँ 80% अगर आजादी है ना, तो अफगानिस्तान में तो 10% भी नहीं है, उधर आप क्यों नहीं बोलते? उधर उसको क्यों दोस्त कहते हो? उधर क्या औरतें, वो औरतें क्या आपकी इंसान नहीं है, जिसमें आपके अपना वो क्या धर्म नाम लेते हैं, सनातन धर्म में क्या वो इंसान नहीं है? वो भाई पाकिस्तान की औरतें नहीं है, इस वजह से सिर्फ पाकिस्तान पे क्यों पॉइंट आउट करते हैं? नहीं, अगर औरतें भाई अगर ये कह, मेरा ये चैलेंज अगर है लोग सर में दम, तो एक्सेप्ट करके इसका लॉजिकल जवाब देना, अफ्रीका तरक्की क्यों नहीं कर रहा, सऊदी अरब क्यों कर रहा, जहाँ
औरतों को आजादी नहीं है बाहर निकलने की, उसके बाद अफ्रीका के लिए कह रहे हैं जहाँ हर औरत की आजादी है, चैलेंज है औरतों को हकूक पूरे दिए जाते हैं या शाना बशाना मर्दों के साथ काम करती हैं, वहाँ तरक्की होती है, जहाँ पे औरतों को हकूक नहीं दिए जाते या शाना बशाना काम नहीं करती वहाँ तो भाई सऊदी अरब क्यों तरक्की कर रहा है? सऊदी अरब भी भाई यही सूरत आ रहा है और दुबई में भी यही। तुमने मुझे ये बताओ सऊदीया में औरतें इतनी उनको नहीं आजादी और दुबई दोनों ममालिक में नहीं आजादी भाई, चांद देख रही है जो कुछ इलाके के जो है नहीं नहीं जो शहरी है उनको नहीं, जो ऊपर से आते हैं उनको तो आजादी नहीं नहीं वहाँ फार्मर को तो है यार, उधर औरत आजाद नहीं है इतनी जितनी मतलब नहीं, वो घरों में काम कर सकती जो फार्मर औरतें जाती है ना नहीं आजाद घरों में इतनी काम। आप ये कहेंगे उधर ये सबब तो है ना कोई ना कोई तरक्की तो है ना दुबई जो है ना दुबई एक मिनट भाई वहाँ पर जो है ना आजादी है सऊदी अरब की मैं बात इसलिए मैंने सऊदीया में नहीं दुबई में भी भाई इतना माहौल चेंज नहीं है, जो वहाँ के है ना घरेलू जो शेख वगैरह बात करते हैं या इतनी आजादी नहीं है, हम कम से कम इतनी आजादी तो नहीं ना देना चाहते तो भाई हमारे मुल्क में कौन सी इनको आजादी नहीं है, हर जगह पे बैंकों में औरतें काम करती हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में औरतें काम करती हैं, हर जगह पे औरतें काम करती हैं। क्या बात को समझा नहीं है वो और माइंड के बात कर रहे थे, वो ये कहना चाहते थे कि जिस तरह मेरी बात नहीं टोकनी आप जिस तरह वो कह रहे थे आप स्टोरी ना बैठना शुरू कर देना कोई बात नहीं टोको जी, जिस तरह वो कहते हैं कि हमारे हमें हमारे मुल्क में आजादी है ना इस तरह नहीं, यानी कि उनकी जो लड़कियां हैं जो उनकी औरतें वो पोर्न चैनल्स बनाकर बैठी हुई हैं कम से कम नहीं नहीं आप एक गलत, एक मिनट आप गलत बात आप गलत बात कर रहे हैं यार, नहीं नहीं अब मैं कंडेम और मैं ये कहूंगा आप इस पर बात आइंदा ना करें, क्यों ना करो नहीं नेक्स्ट बात नहीं करें, नहीं 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 यस रम को तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो, तुम गलत बात कर रहे हो, तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो, लिमिट क्रॉस बोला ठीक है लिमिट क्रॉस। और ये एक और दुनिया में सबसे ज्यादा जो पोर्नोग्राफी या पोर्न फिल्में मूवीज देखी जाती है तो पता कहाँ देखी जाती है, पाकिस्तान में। तो अब शर्म करो बस खत्म कर दो आगे चलो इससे लोग सर बैठ के बैठते यार कोई और बात करो इस पर हम बात नहीं करें यार, गैर अखलाक की बात है, मैंने आपको उधर ही आपको फक्की दे दी यार, मैं उस पर पहले चैलेंज कर चुका हूँ, मैं इसको चैलेंज कर उसमें दम और जवाब देगा, जितने भी नहीं है दम नहीं है दम पॉइंट्स है वो पाकिस्तान के ही और यार नहीं दम इनमें हमारी पता है पाकिस्तानी की क्या खामी है, अफगानिस्तान पर नहीं बोलते सऊदिया में दुबई में औरतें काम नहीं करती जी, बोलो 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 जी बोलो बोलो, हमें हमारी सर्च नहीं है, हम सबूत के बिना बात कर देते हैं अब ये सबूत ही तरह तुम्हारे सबसे ज्यादा पाकिस्तान में देखे जाते हैं, ये सबूत था मुझे भी पता तुम्हें भी पता, मैंने एक सबूत दिया और आपने मेरी बोलते बंद कर दी है, क्या सबूत दिया जो मैंने आपको गलत दिया झूठ बोला तुमने, मैंने तुम्हें साबित कर सकता हूँ सबसे ज्यादा पाकिस्तान में देखे जाते हैं, गलत बोला है हाँ जी ये नहीं है नहीं। अच्छा और बातें अब बात करते हैं इस पर कि भारत सुपर पावर क्या वाकई उसमें क्वालिटीज हैं, भाई मुझे नजर आती है कि भारत में क्वालिटीज हैं, इसकी वजह यह नहीं है कि इसकी कैसे काफी वजूहत है, मैं ये इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि भारत के अंदर ये क्वालिटी मौजूद है जो कि सुपर पावर में होनी चाहिए और वो सुपर पावर की तरफ जा रहा है, इस चीज यार जो बातें सच हैं वो खुले दिल से एक्सेप्ट करनी चाहिए और यही मर्दानगी है तो माननी चाहिए ना, मैं भी जो बात कर रहा हूं वो मानते हैं इंडिया वाले, इंडिया जो है ना इंडिया के अंदर चीजें सबसे पहले वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है पहली बात, दूसरा वो उनका तकरीबन पाकिस्तान के अलावा अब थोड़ा सा टसल चली है कनाडा के साथ, तकरीबन दुनिया के हर मुल्क के साथ उनके सही ताल्लुकात हैं, दूसरी बात तीसरी बात उनके जो डिप्लोमेट मतलब है ना फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर है या उनकी फॉरेन पॉलिसीज है वो मतलब कि ना डिफेंसिव है, अटैक करने वाले नहीं है, मतलब उनकी ये है कि भाई हम पर कोई हमें अगर हम पर कोई हमला आवर होता है तो हम उसको डिफेंड जरूर करेंगे ना किसी का, हम घर उजाड़ेंगे हम अपना घर बचाएंगे और हम अपना पहले देखेंगे, ये उनकी पॉलिसी मुझे बड़ी अच्छी लगती है जो जो एक सुपर पावर में होनी चाहिए, दूसरी बात यह कि वो साथ लेकर चल सकते हैं कंट्रीज को, साथ लेकर चल सकते हैं कंट्रीज को और वो डिजर्व भी करते हैं, मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि यूएनएससी यानी कि यूनियन की ना
इंटरनेशनल यूनियन जो है उसकी जो परमानेंट मेंबरशिप है वो भी इंडिया डिजर्व करता है आज, लेकिन क्यों नहीं दी जाती ये मुझे नहीं पता, दी जानी चाहिए। और सुपर पावर की तमाम क्वालिटीज हैं, वो पाकिस्तान तो बोलते रहते हैं नफरत में, लेकिन इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर बन सकता है। आपने कहा है कि इंडिया की सिर्फ कनाडा के साथ है, चलो पाकिस्तान की तो आपस की जो कशीदगी थी तो शुरू से थी, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, ईरान के साथ, तुर्की के साथ और अभी कनाडा के साथ इनकी कशीदगी शुरू से वो है। तेरा अल्लाह भला करे ईरान के साथ इतने अच्छे तुम्हारी सोच है, अफगानिस्तान के साथ इतने अच्छे तुम्हारी सोच है, तुर्की आज सबर 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 तुर्की के साथ ट्रेड हो रही है, तुर्की को कभी उन्होंने तुर्की ने ना कहीं इंटरनेशनल तुर्की आज इनको बैक कर रहा है, तुर्की के साथ इनके बुरे हालात चल रहे क्यों करता है क्यों तो भाई ये सिनेरियो बंद करना इनका सुपर पावर वाला। दूसरी बात जो है इनकी असलम भाई कुछ कहना चाहते हो? मैं तो यही कहूंगा कि तुर्की ने कुछ देखा है तो उसकी सपोर्ट कर रहा है। हाँ जी कुछ देखा तो सपोर्ट किया ना, कोई भी कंट्री अपना रास्ता इतना जल्दी से नहीं चेंज करता, इतना जल्दी बयान तो नहीं चेंज होता। हालांकि आप पहली वीडियोस में देखें तो पहले तुर्की पाकिस्तान के हक में बहुत ज्यादा बोलता था। आप नहीं बोलता। वो उसकी सपोर्ट कर रहा है कोई ना कोई कोई खैर मेरा जो पहले वाला चैलेंज वही है किसी में दम तो जवाब देना लॉजिकली, गलम गलोच नहीं, मैंने कोई गलम गलोच नहीं की, मैंने सवाल नहीं भाई वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में औरतों को आजादी नहीं। मैं तो मैं काफी जगह पे जाता रहता हूँ, वहाँ पे बैंकों में बड़े बड़े इदारों में औरतें मर्दों के साथ काम कर रही हैं, हर जगह पे औरतें हैं। कोई ऐसी फील्ड बता दें जहाँ पर जो औरतें काम नहीं कर रही, वो चंद एक घर है। दूसरा पॉइंट ये है, चंद एक घर है जिनमें ये मौलवी हजरात या मदरसे के मौलवी पढ़ाते हैं, उनके घरों में जो औरतें हैं ना उनको काम करने की मुकम्मल आजादी नहीं है, बाकी हर घर से कहीं ना कहीं औरतें काम करती नजर आ रही हैं। दूसरा पॉइंट उनका ये भी था, एक वीडियो में भी लोग सामने ये कहा था कि ये पाकिस्तान में राह में रुकावट है, क्या मतलब ये आजादी औरतों को नहीं है। तो मैं ये उनसे ये बात करना चाहता हूँ कि जो असल रुकावट है वो हमारा क़लमी फुकदान है। मैं इस चीज को मानता हूँ कि जो खैर यार लंबी चौड़ी बातें क्या, बात मुख्य इतनी है कि पाकिस्तान के जो हालात बुरे हैं अब पाकिस्तान की हर जो अच्छाई भी बुराई नजर आएगी और बुराई तो पहले बस, बदनाम बस ये बात है। मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।